साथियों, आज एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। रेड्डी सर स्वयं लाइव आकर हमको फ्यूचर मेकर की पूरी डिटेल बता रहे हैं, केस के बारे में पूरी डिटेल बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है साथियों। तो रेड्डी सर ने क्या बताया है और हमें इसके आगे क्या करना है, उन्होंने पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए और हमारे दोस्तों को, फ्यूचर मेकर के फैमिली को और सभी रिलेटिव को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेड्डी सर का लाइव अपडेट वीडियो, जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीजिए, पेश है आपके लिए रेड्डी सर का वीडियो। देखिए दोस्तों ये क्लिप। Come under the money circulation scheme. It is a purely a direct sales of the products. There is no any cheating, inducement, no money circulation, and there are several judgments of the Supreme Court. Supreme Court, what it has said in the direct sales does not come under money circulation scheme. We tried to convince the court, but today the court has passed an order saying that our two cases are pending, and there is a warrants are pending in this case, and therefore two cases are pending. We cannot grant the bail today, but you also have to pursue the other cases, the two cases, warrants, that also bail. So we are filing bail applications again on Monday, and next week, Monday, Tuesday, Wednesday, after completion of the arguments, definitely bail is a right. Mr. Radhesham ji, the CMD will definitely come out of the jail by taking the bail from the court, but it takes some time the next week because two cases are pending. Now three cases are there. We are trying bail application in three cases. अब आज क्या बोले वो कोर्ट, वो अदालत, वो दो केसेस बाकी है, पेंडिंग है दो केसेस, उसमें भी वारंट्स है। सो दो केसेस पेंडिंग है, तो इस केस में वो बेल नहीं होता, वो ऐसा ऑर्डर पास किया। डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूजडे वेनसडे और दो केसेस में भी बेल फाइल करना, उसमें भी आर्गुमेंट्स होने के बाद जरूर बेल आता। डेफिनेटली हम पूरा वो कंपनी के लिए वर्किंग है। इधर भी 1-2 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दे आर ऑल्सो सीइंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एवरी डे। डेफिनेटली वो अदालत में वो लीगल फाइट करना, जरूर वो कंपनी को प्रोटेक्शन लेके डेफिनेटली ऑर्डर आता। थैंक यू।